इतनी सोनी बहू रब सबको दे। ये तेरी नई जिंदगी है पुत्र, आगे कदम रख। जिद्दी रे पुत्र, तेरे आने से अब इस घर में बरकत ने भी आ जाना है। अरे हमें भी कोई अच्छी बहू दिला दो, मारे मुंडे को तो बात ही नहीं। अरे बहुत सी फोटो देखी, कोई पसंद ही नहीं आती। अरे पीछे हट, डर गई तो? ओहो भाभी के साथ पंगे अगर देवर नहीं लेगा तो और कौन लेगा? भाभी अब डरे नहीं ना बस। अरे आके बैठने दिया नहीं, लग गया खटखट करने। आओ आओ भाभी, आपका ही कमरा है। एक फोटो मेरे साथ, मेरे साथ भी एक फोटो। कुछ लगते हैं आप तो बहुत ब्यूटीफुल। अरे बच्चों चलो तुम बाहर। ये वाली तुम दलेर को बुला लाओ। अरे उठ अपना पिटारा उठा। अच्छा एक लास्ट बात भाभी, आपकी जो लुक्स है ना और आपकी स्माइल है किलर, आप बाई गॉड किलर। जब भी आप बोर फील हो रहे हो ना आप एक आवाज लगा। अरे चल चल चल, ऊपर से दौड़ा चलाऊंगा। चल आराम करने दे उन्हें। और हम चले आए, चल चल जान हथेली पर ले आए। अमृत ने अपनी बचकानी हरकतों से आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? वो क्या है ना, बिन माँ का बेटा है, इसलिए छोटे पापा जी ने भी बड़े लाड प्यार के साथ बड़ा किया है। थोड़ा बेलगाम हो गया, पर आप चिंता मत करना, कोई भी परेशानी होए तो मैनू दसना। नहीं जी कोई गल नहीं है जी। मैं कितना खुशकिस्मत हूं ना कि मुझे तेरे वर्गी सोनी वोटी मिली है। वादा कर के तू मैनू छटके नहीं जाएगी। मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा जिंदगी भर, जितना किसी ने भी किसी और को नहीं किया होगा। छोटे पापा जी, मैं सोच रहा था कि ऊपर अब एक कमरा पा ही लेते हैं, अमृत को भी थोड़ा आराम हो जाएगा। और वो पापा जी मैं इसलिए कह रहा था कि अब तीन कमरों में हम सारे कहाँ पूरे पढ़ने हैं। अमृत का भी पढ़ाई का आखिरी साल है, इसको पढ़ने के लिए अलग जगह तो चाहिए ना। बाकी मैं और मिनी ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। पुत्र जी कमरा तो डलवा दूं, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बंटवारे की बात भी शुरू हो जाएगी। फिर हुन तेरी शादी। लेकिन छोटे पापा जी, एक कमरा पाने से कौन सा बंटवारा हो जाना है? वैसे भी मैं तो सबकी तकलीफ देख कर ही बोल। मैं सुना नहीं जोगी ने क्या कहा? कोई कमरा वमरा नहीं डलेगा। पर पापा जी मैं तो बस, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। जी नाश्ता। मिनी पुत्र नाश्ता पहले मैं दे दे, मेरे दवा का टाइम हो गया। जी मुझे लेट हो रहा है, मैं दुकान से जा रहा हूं। सुनिए एक मिनट रुकिए, ये पराठे पैक किए, आप रस्ते में खा लीजिए। पुत्र अभी तो तू आई है, पर पूरे घर को तूने इतना अच्छे से संभाल लिया है।
बस अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज मैं ऊपर कमरा डलवा ही देता। जोगी कुछ कहता नहीं, लेकिन पिछले 2 साल से मैं इस व्हील चेयर पे हूँ, तब से वही सारा काम काज देख रहा है। दिलेर ने तो कुछ टाइम पहले ही दुकान पे जाना शुरू किया है। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे किसी बात की कमी नहीं आने दूंगा। पापा जी, मैंने तो अपने मम्मी पापा को कभी देखा ही नहीं, बस मामा मामी की बात, आप दोनों ही मेरे लिए उनकी जगह हो। और वैसे भी आप हो ना पापा जी, तो मुझे किस बात की फिक्र। भाभी, आपने मेरा नया कुर्ता धोने में डाल दिया, अब मैंने वो दोस्त के घर पहन के जाना था। अभी कोई और पहन लेना, बाकी सारे तो पुराने हो गए हैं, अब मैं क्या पहनूं? सुनो, आपका एक कुर्ता दे दूं इसको। पूछ क्या रही है, भाइयों के कपड़े हैं, एक नया सा कुर्ता दे दे इसे। जी। चल मैं तुझे कुर्ता दे देती हूं। ये हुई ना बात, अब तो नया कुर्ता मिलेगा। कितनी अच्छी कुड़ी है, इसके आते ही दिल सा लग गया है। मिनी का इस घर में आना कुछ ऐसा था मानो एक लंबे अरसे तक बदली छाई रहने के बाद धूप खिली। पिछले कुछ सालों में इस परिवार ने काफी कुछ सहा था। इंद्रपाल सिंह और उनकी पत्नी सोनी के लिए मिनी एक बेटी थी, अमृत के लिए खुशी की एक सौगात, जिसके साथ वो दोस्त की तरह हंसी मजाक कर सकता था। दलेर का तो खैर एक खूबसूरत सपना पूरा हुआ था, एक जीवन संगिनी पाने का सपना, जिसके साथ वो अपना दुख सुख साझा कर सके। अब तक वो सबकी बात सुना करता था, पहली बार मिनी के रूप में उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला था जिसके सामने वो अपनी हर बात बेझिझक रख सकता था। मिनी के आने से इस परिवार में सभी की जिंदगी की कोई ना कोई कमी पूरी हुई थी, और मिनी के लिए भी ये परिवार बेहद अहमियत रखता था। ओहो, ये तो साबुन के पानी से भी नहीं हो रहे। दर्द हो रहा है मुझे। मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि करवा चौथ पे तू ये ही कड़े पहने, मुझे ये दलेर की दादी ने मुझे दिए थे। क्यों जी, याद है तुम्हें? हाँ हाँ याद है, सब याद है मुझे। मैंने बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आ। बड़े वक्त पे आया पुत्र, ले ये कड़ा पहना मिन्नी को। ओ क्यों पुराने जेवर पहनाने में तुली हो, कल जाकर नया कड़ा ले देना। और दिलेर तू जाना इनके साथ, चेक मैं दे दूंगा। अच्छा तू एक काम कर, मेरे पास आ और देख इसकी कौन सी तार निकली हुई है। आजा आजा जल्दी आजा। आ रहा हूँ पापा जी। भाभी भाभी, आज ना आपकी बड़ी याद आई मुझे, आपके आलू के परौंठों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। आज ट्यूशन छोड़ के आया हूँ मैं, बड़ी भूख लगी है भाभी। सब कुछ छोड़ो और मुझे परौंठे खिला दो भाभी। चल पहले तुझे आलू के पराठे खिला दे। जल्दी करो जल्दी, बहुत भूख लग गया। मेरे को तो ना रजिस्टर में भी परौंठे दिख रहे थे, जब देखूं परौंठे। ठीक है बेटा, जो तुझे पसंद है ले ले। अरे ये ले लेना बेटा, ये देख कितना खूबसूरत है। देखो जी, जो आपको पसंद है वो ही मिन्नी को पसंद आए हैं। इन्हें पैक कर दीजिए, मैं आपको चेक दे देता हूँ। पराजी, आपने मिन्नी के लिए 50,000 का कड़ा ले दिया और एक बार भी बताया नहीं मुझे। देखिए अब वो पहले वाली हालत नहीं रही है कि हम ये अनाप शनाप खर्चे उठा सके। वो अपनी बेटी को कड़ा देने के लिए मैं तेरे से पूछूं? देखिए पराजी, आप बुरा मत मानना, लेकिन अब वो बात नहीं रही है हमारे धंधे में, खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिर आप भी हाथ नहीं बटा पाते। मैं भी चाहता हूं कि अमृत को विदेश भेजूं पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं भेज सकता। जोगी, तूने कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की है। अब क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ तो तू कुछ भी बोलेगा। रहने दे, अब मैं बहुत जल्द काम पे लौटूंगा और दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं धंधा। पापा जी, वो निम्मी बुआ का फोन आया था, बिंदिया का 15 तारीख का ब्याह तय हो गया,
हम सबको बुलाया है। भाभी बाहर बहुत शोर हो रहा था, मुझे लगा कमरा खाली है तो मैं पढ़ने अंदर आ गया। मुझे नहीं पता था आप अंदर हैं। वो क्या ना कि मुझे यहीं पढ़ने की आदत है शुरू से, तो वो प्राजी वो मैं पढ़ने आया था तो मुझे नहीं पता था भाभी मुझे। जोगी आज ही मकान की कीमत निकलवा और दो हिस्सों में बंटवारा कर दे। जब घर में शक बस जाए तो उसे अलग हो जाने में ही समझदारी है। बंटवारा परिवार च कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है प्राजी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई भाई अलग हो जाए। छोटे पापा जी ठीक कह रहे हैं, पापा जी बंटवारे की जरूरत नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगा। दलेर इसमें संभालने की कौन सी बात है, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं। आज जो हुआ सो हुआ, मुझे आगे की भी सोचनी है। इन्हीं आखिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे शर्मिंदा या परेशान नहीं देख सकता। पर पापा जी सब ठीक है, छोटी सी बात है और इसमें अमृत की कोई गलती नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस घर से नहीं जाना चाहता, दारजी और मम्मी जी की यादें हैं यहाँ पे। तू नहीं जाना चाहता तो मत जा, मैं दलेर और इन दोनों को लेकर चला जाऊंगा। तू कल ही इस घर के हिस्से की बात कर। लेकिन पापा जी हम लोग ऐसे बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सोनी जी मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, मुझे कमरे में ले चलो। इंद्रपाल सिंह जी के फैसले से मानो घर के सभी सदस्यों पर बिजली गिर पड़ी। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से घर का बंटवारा हो रहा है। जोगिंदर घर को बचाना चाहते थे लेकिन अब इंद्रपाल की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्या वाकई इंद्रपाल सिंह को अपनी बहू मिनी की इतनी फिक्र थी, या फिर वो इन हालात का इस्तेमाल जोगिंदर और अपने बीच पैसों की वजह से आई दरार को और बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। 2 साल पहले एक दुर्घटना के बाद इंद्रपाल सिंह विकलांग हो गए और तब से घर बैठने के लिए मजबूर थे। जाहिर है जोगिंदर को सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा था, व्यापार में नुकसान भी हो रहा था, खर्च भी बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि इंद्रपाल सिंह जी नहीं जानते थे, खर्च बढ़ने की एक वजह उनकी बीमारी और उनके बेटे दलेर की शादी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लगता था कि व्यापार में हुआ नुकसान जोगिंदर की नाकाबिलियत की वजह से, और उन्हें यह बात भी कचोटती थी कि अब उन्हें छोटे छोटे खर्चों के लिए भी जोगिंदर का मुंह ताकना पड़ता था। लेकिन उनके इस फैसले का असर पूरे परिवार पर क्या होने वाला था। अब आप ये बताइए कि 500 गज और 250 गज में किसकी कीमत ज्यादा होगी। तो 500 ही गज ठीक है जी, और अगर जमीन बेचनी ही है तो सारी की सारी बेचो, वो भी एक साथ। तो वैसे भी आजकल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई बड़ा आसामी ढूंढेंगे, नुकसान में क्यों रहना। लेकिन मैं पूरी जमीन कहाँ से लाऊं, राजी तो जिद पर अड़ गए, उन्हें तो बस अपना हिस्सा चाहिए, फिर सोचेंगे कब बेचनी है किसे बेचनी है। वैसे भी दारजी उनके नाम 50 गज ज्यादा कर गए थे। तो फिर सोचो, ऐसा सोचो कि आप लोगों का पूरा घर आप लोगों का हो जाए, ना किसी की मांग और ना कोई रहेगी टांग। सही कह रहे हैं अंकल, वैसे भी कोई खास फायदा तो होने नहीं वाला, और अगर बड़े पापा ने बिजनेस फिर से संभाल लिया तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। कुछ तो खेल करना पड़ेगा पापा, वरना मुझे भी आपकी तरह सारी जिंदगी इसी घर में बितानी पड़ेगी। अगले हफ्ते से मैं भी दुकान पर जाना शुरू कर दूंगा। आखिर कब तक यूं बेबस हुआ था, मैं दूसरों के बोझ बना रहूंगा। चलो जी
ये तो बहुत अच्छी बात है। घर से बाहर निकलोगे तो दिल भी लगा रहेगा और जो बंटवारे शटवारे की बातें हैं ये भी दिमाग से जाती रहेंगी। पापा जी, निम्मी बुआ के यहाँ से बिंदिया की शादी का कार्ड आया है और मम्मी जी की मिठाई भी भेजी है। अच्छा, अरे वाह पापी, आज मिठाई छिठाई कैसे है? क्यों दलेर, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं छोटे पापा जी, ये तो निम्मी बुआ के घर से आई है। जोगी, घर के बंटवारे का कुछ हुआ? क्यों जिद पे अड़े हो प्राची, बात में मिट्टी पाओ। एक परिवार ऐसे कैसे अलग हो सकता है? नहीं जोगी, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वो छड्डो प्राची, इन बच्चों की गलत फहमी में हम अपना बुढ़ापा क्यों गुवाएं? देखो, मैंने अमृत को समझा दिया है। दलेर बेटा, अब तू भी समझ जा। जुग जुग जी हो बेटा, ये कड़ा तुम्हारे हाथ में कितना सुंदर लग रहा है। देखा मिन्नी, कितना सुंदर कड़ा मिला है तुझे। मेरे तो करवा चौथ को 25 साल हो गए, आज तक एक चेन नहीं दी। बड़ी किस्मत वाली है मिन्नी तू तो। मैं अभी आता हूँ। पापा जी, मैं थाली रखकर अभी आपको लेने आती हूँ। ठीक है बेटा, चलिए मम्मी। लाइट को क्या हो गया? अरे कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ए, क्या कर रहे हो तुम? क्या हाल? पापा जी, कौन है? कौन है वहाँ पे? पापा जी, कौन था वो? पता नहीं बेटा। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा। क्या हुआ? किसी ने पापा जी को नीचे धक्का देने की कोशिश की। कौन? पता नहीं, अंधेरे में भाग गया, दिखा ही नहीं। पापा जी आप नीचे चलो। आओ। चलो। एक तरफ तो इंद्रपाल सिंह जी को किसी ने जान से मारने की कोशिश की, दूसरी ओर जोगिंदर और अमृत किसी ऐसे काम में लगे हुए थे जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी। अंदर ही अंदर कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। जोगिंदर ने किसी तरह समझा बुझा कर इंद्रपाल सिंह जी को बंटवारा ना करने के लिए राजी तो कर लिया था, लेकिन उन पर हुआ यह हमला कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या जोगिंदर और अमृत इस हमले के लिए जिम्मेदार थे? क्या वाकई इंद्रपाल सिंह की जान को खतरा था? जोगी, यही हिसाब तो बिल्कुल कच्चा है, एंट्रीज तो गलत हैं। राजी, प्राजी, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। देख, ये लाइट को क्या हो गया? कहीं फ्यूज तो नहीं गया? लगता है प्राजी फ्यूज ही उठ गया, मैं जरा देख के आता हूँ। कौन है? कौन है यहाँ पे? तुम बोल के नहीं रहे, कौन है? कौन हो तुम? दिलेर, दिलेर पुत्र। दिलेर अभी लौटा नहीं है। आप कब आए? क्यों, किसी और का इंतजार था? ये कैसी बात कर रहे हैं? इस लम्हे को बर्बाद मत करो, इससे ऐसा मौका हम दोनों को फिर नहीं मिलेगा।
नहीं बेटा। मुझे पापा जी बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ, उनको कुछ काम होगा मुझसे। जाओ, पापा जी को शायद तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। अभी आती हूँ। ओ मिनी बेटा, वो टॉर्च लेके आना जरा। कोई नहीं प्राजी, चल जाएगा काम, बस दो मिनट में सही कर दूंगा फ्यूज। कौन है वहां पर? भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी। एक हफ्ते के अंदर ये लगातार दूसरा जानलेवा हमला था इंद्रपाल सिंह पर। इन हमलों से इतना तो साफ हो गया था कि वो किसी बड़ी साजिश के शिकार होने वाले थे, लेकिन कौन रच रहा था ये साजिश? इन दो हमलों के बाद इंद्रपाल सिंह जी के साथ हर वक्त कोई ना कोई रहता था। इन हमलों ने इंद्रपाल सिंह को तोड़कर रख दिया था। सोनी और मिनी मत्था टेकने गुरुद्वारे तो रोज जाती ही थी, लेकिन सोनी के मन में असुरक्षा की भावना अब इस कदर घर कर गई थी कि वो अपने पति की सुरक्षा के लिए पीर बाबाओं और फकीरों के चक्कर लगाने लगी। आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन खौफजदा होकर सोनी ने अंधविश्वास का सहारा लिया, जो कि गलती थी। अंधविश्वास और आस्था में फर्क समझना बेहद जरूरी है। इधर इन दो हमलों के बाद अगले एक महीने तक इंद्रपाल सिंह के साथ कोई और अनहोनी नहीं घटी, इसीलिए परिवार वालों ने इन हमलों की सूचना भी पुलिस को नहीं दी, जो उन सब की बहुत बड़ी गलती थी। पापा जी, आप तो बिना मतलब की जिद कर रहे हैं। आप चलते तो सबको अच्छा लगता ना, और निम्मी बुआ जी भी खुश हो जाती। मैं जानता हूँ पुत्र, तू क्यों चाहती है कि मैं साथ चलूं। तू घबरा मत, कोई मुझे कुछ नहीं करने वाला। वैसे भी ये शोर शराबा मुझे पसंद नहीं, सब परेशान होंगे। तू जा और मौज करके आ। वैसे भी शादी के बाद तुझे ऐसे मौके मिले कहाँ? देखो ना मम्मी जी, बिना मतलब की जिद कर रहे हैं। चल पुत्र, इन्होंने सुननी तो है ही नहीं, मुझे भी तो ये धक्के से ही भेज रही है, नहीं मैं ही यहाँ रुक जाती। भैया आप लोग तैयार हुए कि नहीं हुए? मैं तो तैयार हो गया भाई। वो छोटे पापा जी और अमृत, वो दोनों तो चले गए बंटी के साथ, कह रहे थे मिलने के लिए देर ना हो जाए। और अगर आप लोगों की बातें भी खत्म हो गई हो तो हम भी चले। हम तो तैयार ही हैं, बस मिन्नी को इनकी फिकर लगी हुई है। आप तो ना बेकार में फिकर कर रहे हो। मैं आऊंगा ना शादी से खाना लेकर के। अब पापा जी व्याह में नहीं जा सकते, कम से कम खाना तो खा ही सकते हैं, है कि नहीं? और वैसे भी कौन सा वाइजा जुड़ा के आना है, गड्डी चलानी है तो आना है। पैरी पहना, मैं आना उन्हें। ठीक है पापा जी, आप अपना ध्यान रखना और मैं खाना भेज दूंगी, आप खाइएगा जरूर। ओ मिनी, छेती कर यार, नहीं तो बुआ जी ने बरात लेके हाथ ही आना है। हाँ चला जी। मैंने पापा जी के लिए इसमें 6 रोटियां पैक कर दी है, साथ में रायता भी है, जरूर देना उन्हें। सब्जी थोड़ी सी तीखी है, इसलिए 2 गुलाब जामुन भी पैक कर दिए आखिरी के डब्बे में। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जाओ। पापा जी को तो खाना खिला दूंगा, लेकिन पहले मौके का फायदा तो उठा लूं। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। अरे देखता तो देखने दे भाई, अपनी बोटी के साथ खड़ा हूं, किसी और की थोड़ी। वैसे आज तुझे सोने बड़े लग रहे हो, बोलो बजा के ले चलूं? क्या कुछ भी, सारा प्यार आज ही उमड़ रहा है। जाओ पहले पापा जी को खाना खिला के आओ। हाँ भाई जा रहे हैं, और करना क्या है। जाओ जाओ जल्दी। कब से लापता जी? वो कल रात को जब मैं खाना लेकर आया था उनके लिए, तो पापा जी घर पर ही थे सही सलामत, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद ही कुछ हुआ हो। आप में से कल कौन कौन शादी में था? जी सब थे जी, मैं और मेरा पुत्र अमृत थोड़ी देर पहले निकल गए थे जी, और ये लोग कुछ आधा घंटा बाद में पहुंचे। सवेरे जब घर वापस आए तो देखा कि प्राजी का कमरा उथल पुथल था। ये व्हीलचेयर कैसे गिरा हुआ है?
तू कमरे में देख क्या? आप इधर देखो जी, और ना ही मोहल्ले में। लगता है जी ये किसी का खेल है जी, नहीं तो हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है जी। पहले कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है जी? कि पापा जी पे पहले दो बार हमला हुआ है। एक बार किसी ने उन्हें छत से धक्का मारने की कोशिश की और दूसरी बार किसी ने उनका गला घोटने की कोशिश की। किसने? पता नहीं जी, कोई दिखाई नहीं। और आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करवाने की भी नहीं सोची? आप कह रहे थे आपका बेटा अमृत आपके साथ था, कहाँ है वो अभी? वो तो जी रात को ही चला गया था शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ। कहाँ? जी सब लड़के वहीं कहीं आसपास ही थे जी। हो सकता है जी वो अपनी बुआ के यहाँ ही हो। हम तो जी अपने पराजी को ढूंढने में लग गए जी, उसके बारे में सोचा ही नहीं। फोन लगाइए उसे। क्या हुआ लग नहीं रहा? स्विच ऑफ आ रहा है जी। जी अभी मेरी बुआ जी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि रात को अमृत वहीं पर था और सुबह होते ही चला गया था, और उसका दोस्त बंटी कह रहा था कि अमृत थोड़ा परेशान है इसलिए वो दोनों अब शिमला चले गए गाड़ी लेकर। मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मेरे पापा कहाँ है? मान लिया तो कुछ नहीं जानता, पर ये तो जानता है कि बाप चुरा था। मुझे कुछ नहीं पता साहब। क्या बोलेंगे तेरे पापा जी? पापा क्या जानते हैं जो तू नहीं जानता? मैंने कुछ नहीं किया साहब। जाओ भाई इनके पापा को लेके आओ, शायद वो ही कुछ ज्यादा जानते हैं। मेरे को नहीं पता साहब। नहीं आइए बंद मारा साहब, बंद मारा। आइए 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 जी इनके पापा जी। क्या बोल रहा है ये? ये कह रहा है कि आप कुछ ऐसा जानते हैं जिससे बच सकता है। अब आप ही कुछ सीधे सीधे बता दीजिए, वरना आपकी ऐसी हालत करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पुत्र का मत मारिए, बता दो राजी और मेरे बीच में कुछ टाइम पहले घर और बिजनेस को लेकर मन मुटाव हुआ था। अब वो बात नहीं है हमारे धंधे में, खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और आप भी हाथ नहीं बटा पाते। जोगी तूने कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की है, अब क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ तो तू कुछ भी बोलेगा। वो ये समझते थे कि मैं बिजनेस को चंगे ढंग से नहीं संभाल रहा हूँ और वो सारा कंट्रोल धीरे धीरे दलेर के हाथों में दे देना चाहते थे, और उस टहनी घर को लेकर भी वो जिद पर अड़े हुए थे। वो सिर्फ अपना हिस्सा चाहते थे, ताकि वो दलेर और अपने परिवार के साथ शहर में जाकर नई कोठी बना ले। फिर मेरे पास क्या बचता इसमें? थोड़ी देर बाद उनके पुत्र दलेर की शादी हो गई। शादी के बाद उनको इंडी और दलेर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। मैंने और अमृत ने प्लान बनाया
पहले तो जायदाद का हिस्सा ना करने के लिए फुसला लिया। क्यों जिद पे अड़े हो प्राची? बात में मिट्टी पाओ। एक परिवार ऐसे कैसे अलग हो सकता है? फिर हमने सोचा कि उनको किडनैप करके हम उनकी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनका कत्ल भी कर देंगे। उस रात करीब 8 बजे मैं बड़े पापा को खाना देने के बहाने घर गया। पुत्र तू दिलेर नहीं आया? नहीं बड़े पापा, वो ना दिलेर पाजी को ना निमी पुआ ने कुछ काम बोल दिया था, उन्होंने मेरे को भेज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खाना लगाता हूँ। ठीक है पुत्र। मैंने खाने में नशे की गोलियां डाल दी। लो जी गर्मा गर्म खाना। जी उदारा पुत्र, मैं भी कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे परिवार में कितना मेल मिलाप और प्यार है। वो मैं पागल हूँ, पानी लाना तो भूल ही गया मैं, अब पानी लेके आ। बड़े पापा खाना खाते ही बेहोश हो गए। मैंने उन्हें ना घसीट कर गाड़ी में डाल दिया। मुझे याद आया मैं टिफिन तो अंदर ही भूल गया हूँ। मैं फटाफट भागा, मैं टिफिन लेके आया और जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने देखा वो वहां बड़े पापा नहीं थे। ये कहाँ गया? मैं सच कह रहा हूँ, वो बड़े पापा नहीं थे, वो गायब हो गए थे। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं पापा को फोन करता हूँ। मैंने फोन निकाला, उसमें बैटरी नहीं थी, डेड। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं फटाफट बुआ जी के घर चला गया। वहां जाके देखा तो मेरे घर वाले पहले ही जा चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शराब पीनी शुरू करी और तब तक पीता गया जब तक बेहोश ना हो गया। मैं जब होश आया, फोन चार्ज किया तो पता लगा दिलेर पाजी की उस पर बहुत सारी मिस कॉल्स थी। मुझे लगा बड़े पापा ने सब कुछ बता दिया होगा। मैं बहुत डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं करूँ क्या। मैं गाड़ी उठा के शिमला चला गया। मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं आता। ये सच कर रहा है इंस्पेक्टर साहब, इसे और कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप चिंता मत कीजिए, हमें मालूम है कि और भी बहुत कुछ जानते हैं। निश्चिंत रहिए आप, हमें सब मालूम है कि मोटी चमड़ी वालों की खाल कैसे उधेड़ी जाती है। अपने बेटे के साथ मिलकर एक भाई ने अपने ही भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच डाली, वो भी सिर्फ जायदाद के लिए। जायदाद का झगड़ा कई अपराधों को जन्म देता है, भाई को भाई की जान का दुश्मन बना देता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2012 में 3,169 कत्ल हुए सिर्फ जायदाद की वजह से। साफ जाहिर है आज के दौर में रुपया रिश्तों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि अमृत ने अपने इकबालिया बयान में ये क्यों कहा कि उसने इंद्रपाल सिंह का अपहरण नहीं किया था। अगर उसकी माने तो इंद्रपाल सिंह उसकी साजिश का शिकार होने से पहले ही गायब हो चुके थे। अगर वो सच कह रहा था तो फिर साजिश के अंदर एक और साजिश किसने रची? हमको भी पापा जी की कोई खबर नहीं है। मैं तो सुबह खेतों में भी देखकर आया था। चंगा जी, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। क्या हुआ जी, कुछ पता चला पापा जी का? मम्मी जी कल पूरी रात नहीं सोई। तो घबरा मत, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन छोटे पापा जी और अमृत ने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने मेरा रिश्तों पर से विश्वास ही उठा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तेरा कड़ा किधर गया। कड़ा? तुझे पता है ना पापा जी ने कितने प्यार से दिया था तुझे। मैंने कड़ा उतारा ही नहीं, कल तक तो था मेरे हाथ में, गाड़ी में भी था,
के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है गाड़ी में ही गिर गया हो। आप मुझे चाबी दीजिए ना, मैं भी देख के आती हूँ। अले रब दे शुक्र है मिल गया। हाँ जी। हेलो दलेर जी, असली गुनेगार पकड़ा गया है, तुसी छेती थाने आ जाओ। चंगा जी, मैं हुनी आंदा। खेल तो अच्छा खेला है आपने, पर जो सच है वो ज्यादा देर छुपता नहीं है। मैंने तू इसे पहचानते हैं आप? अरे ये आपको कहां से मिला? ये तो इनका कड़ा है। अब सब मैं ही बोलूंगा या आप भी कुछ बताएंगे? दिलेर सिंह भैरव, जो कह दिया वो कह दिया, सब पुसा बना के रख दिया था मुझे उन्होंने, फिर मेरी जिंदगी भी नहीं आई। मुझे लगा कि हाँ मुझे अब कोई मिल गया जो मुझे समझ सकता है। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि कोई एक खास ऐसा हो जो पूरे तरीके से मेरा हो, लेकिन पापा जी ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। जब भी मैं मिनी के करीब जाता था किसी ना किसी बहाने से बुला लेते थे। मिनी बेटा, मुझे पापा जी बुला रहे। पापा जी को शायद तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा। अच्छा तू एक काम कर, मेरे पास आ। आ रहा हूँ पापा जी। अरे ये ले लेना बेटा, ये देख कितना खूबसूरत है। मेरी उससे ज्यादा पापा जी को प्यार करती थी, उनका ज्यादा ख्याल रखती थी। पुत्र नाश्ता पहले मैनू दे। ये पराठे पैक किए, आप रस्ते में खा लीजिए। जाओ पहले पापा जी को खाना खिला के आओ, भूखे होंगे वो। कभी कभी ना मुझे लगता है कि तू मुझसे ज्यादा ना पापा जी को प्यार करती है। मेरे को किसी की बाह में नहीं देख सकता, चाहे वो अमृत हो। कौन है वहां पर? उस रात को क्या हुआ था बोल। उस रात मैं खाना लेकर आया था, जब मैंने गाड़ी लगाई अमृत की गाड़ी वहां पर पहले से खड़ी थी। मैंने गाड़ी में झांक कर देखा, पापा जी वहां थे, मगर बेहोश। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका, पापा जी को अपनी गाड़ी में डाल लिया और वहां से दूर ले गया तुम बनाने के लिए।
पापा जी, मेरे अपनी ही हाथों से पापा जी को, अपने पापा जी को चिंता न बना दी। माफ कर दो, मैं सच में पापा जी को बहुत प्यार करता था। पर शायद शायद मेरी नफरत मेरे प्यार पे भारी हो गई, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। बेचारे दलेर को अपने पिता की हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ जोगिंदर और उनके बेटे अमृत को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई। दलेर सिंह ने अपने पिता इंद्रपाल सिंह जी को जिंदा दफना दिया। क्यों? क्योंकि दलेर की पत्नी मिनी इंद्रपाल सिंह जी का बहुत ध्यान रखती थी, एक बेटी की तरह उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। साथ ही इंद्रपाल सिंह भी अपनी बहू को बेटी की तरह चाहते थे, उसका ख्याल रखते थे। ससुर और बहू के बीच ये एक बेहद मर्यादित रिश्ता था, लेकिन ये इस रिश्ते को लेकर आपका और हमारा नजरिया है। शक के शिकार दलेर सिंह जैसे इंसान का नहीं, शक का शिकार इंसान सही और गलत की पहचान ही भूल जाता है, बगैर सोचे समझे, बगैर हालात को परखे किसी भी नतीजे पर पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दलेर ने अपने पिता की हत्या का फैसला ले लिया, बगैर एक बार भी ये सोचे कि आखिर उसके शक का आधार क्या है। अगर उसने अपनी सोच को भटकने से रोका होता, अगर उसने अपने मन में पल रहे शक के राक्षस पर काबू पाया होता, तो आज ये परिवार यूं तबाह न होता। इसीलिए शक से सावधान रहें, सतर्क रहें। मन में उठ रही किसी भी शंका का समाधान समझदारी और आपसी बातचीत के जरिए कीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।